नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फोकस अप टू इंफिनिटी में आपका स्वागत है। आपके लिए हमने कंप्लीट करंट अफेयर्स 2017 तैयार किया है। यह 3 से 4 वीडियोस में कंप्लीट करा दिया जाएगा। 2018 में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आशा करते हैं आपको यह पसंद आएगा। आज का हमारा यह वीडियो जनवरी से अप्रैल के सभी इम्पोर्टेंट न्यूज कवर करेगा। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स वार्षिकी। हमारा पहला पॉइंट है पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटरेस ने संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव के रूप में शपथ ली। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटरेस ने संयुक्त राष्ट्र, जिसे यूएन भी कहा जाता है, 9वें महासचिव बने हैं। अगला हमारा पॉइंट है टेनिस खिलाड़ी सोमदेव वर्मन ने अंतरराष्ट्रीय टेनिस कैरियर से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला हमारा पॉइंट है अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने किया। भारत ने 2 चरणों वाली सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। हमारा अगला पॉइंट है 104वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन तिरुपति आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुपति आंध्र प्रदेश में 104वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। हमारा अगला पॉइंट है अरुणिमा सिन्हा और दीपा मलिक स्वच्छ नई दिल्ली की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई। अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट फतह करने वाली महिला है और दीपा मलिक पैरालंपिक खेलों में रजत पदक विजेता है। इन्हें स्वच्छ नई दिल्ली का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हमारा अगला पॉइंट है मारियो सोरेज पुर्तगाल में लोकतंत्र के पिता के नाम से प्रसिद्ध थे और इनका निधन हो गया। पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मारियो सोरेज, इन्हें पुर्तगाल में लोकतंत्र के पिता कहा जाता था। हमारा अगला पॉइंट है अमेरिकी दूतावास के द्वारा अमिताभ बच्चन को टीबी रोग मुक्त जागरूकता अभियान। भारत अमेरिका का यह संयुक्त अभियान है। इसके लिए अमेरिकी दूतावास ने अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फीफा का पुरस्कार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का, और इन्हें यह पुरस्कार 2008, 2013, 2014 और 2017 में चौथी बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यह पुरस्कार मिला। और इसी प्रकार लियोनेल मेसी को गोल्डन शू अवार्ड भी 4 बार प्रदान किया जा चुका है। उन्होंने भी यह पुरस्कार 2017 में जीता है। हमारा अगला पॉइंट है करंट अफेयर्स में महाराष्ट्र की कृतिका देश की पहली नेत्रहीन चिकित्सक बनी। कृतिका को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि वह नेत्रहीन थी, इसलिए उन्हें बहुत ही मुश्किलों के बाद यह डिग्री हासिल हुई। अगला हमारा पॉइंट है कतर ओपन खिताब किसने जीता। कतर ओपन खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। हमारा अगला पॉइंट है बाबर 3 क्रूज मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया। हमारा अगला पॉइंट है टाटा सन्स के कार्यकारी निदेशक नटराजन चंद्रशेखरन बनाए गए हैं। हमारा अगला पॉइंट है पुस्तक खुल्लम खुल्ला किसने लिखी है। पुस्तक खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर ने लिखी है। हमारा अगला पॉइंट है पीपल्स चॉइस अवार्ड किसको मिला है। पीपल्स चॉइस अवार्ड प्रियंका चोपड़ा को दिया गया है। हमारा अगला पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित नया पोर्टल सगुन है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने
देश में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपनाए जा रहे नवाचार और क्षेत्र की प्रगति को प्रदर्शित करने और इसकी निरंतर निगरानी करने के उद्देश्य से एक नया वेब पोर्टल जारी किया है जिसका नाम है सगुन। हमारा अगला पॉइंट है मलेशिया मास्टर्स खिताब किसने जीता। मलेशिया मास्टर्स खिताब साहिना नेहवाल ने जीता। हमारा अगला पॉइंट है सर्वाधिक लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई किस राज्य में। सर्वाधिक लंबी मानव श्रृंखला बिहार राज्य में बनाई गई है और यह मानव श्रृंखला शराबबंदी के लिए बनाई गई। हमारा अगला पॉइंट है भारत इंग्लैंड ने एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में केदार जाधव को प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार मिला है। यह भारत ने सीरीज जीती 2-1 से, यह सीरीज भारत ने जीती थी और केदार जाधव को प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। हमारा अगला पॉइंट है लोक गायक मुकुंद नायक को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। लोक गायक मुकुंद नायक को पद्मश्री पुरस्कार मिला। हमारा अगला पॉइंट है प्रवीण जगन्नाथ कहां के प्रधानमंत्री बने हैं। प्रवीण जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। हमारा अगला पॉइंट है पंकज आडवाणी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप 2017 आठवीं बार जीत लिया है। करंट अफेयर्स में हमारा अगला पॉइंट है 23वां ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2017 जीता। महिला वर्ग में सेरेना विलियम्स ने वीनस विलियम्स को हराकर और पुरुष वर्ग में रोजर फेडरर ने राफेल नडाल को हराकर 23वां ग्रैंड स्लैम जीता और रोजर फेडरर का यह 18वां ग्रैंड स्लैम है। हमारा अगला पॉइंट है सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड 2017 बैडमिंटन प्रतियोगिता क्रमशः महिला वर्ग में पीवी सिंधु ने और पुरुष एकल वर्ग में समीर वर्मा ने यह खिताब अपने नाम किया। हमारा अगला पॉइंट है 65वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है। मनीला फिलीपींस में आयोजित 65वीं मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता फ्रांस की सुंदरी आयरिस मिटेनायर ने मिस यूनिवर्स 2016 जीता। हमारा अगला पॉइंट है पंकज आडवाणी ने भारतीय राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीता। पंकज आडवाणी ने रुपेश शाह को हराकर आठवीं बार राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब अपने नाम किया है। हमारा अगला पॉइंट है नीति आयोग का पहला ऑनलाइन पोर्टल इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है। नीति आयोग के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर यह नया पोर्टल तैयार किया गया है। यह पहला ऑनलाइन पोर्टल इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग ने लॉन्च किया है। हमारा अगला पॉइंट है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान एले स्टेयर कुक को कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से एले स्टेयर कुक जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, इनको सम्मानित किया गया है। हमारा अगला पॉइंट है राष्ट्रीय टेबल टेनिस में अचंत शरत कमल ने सातवीं बार और मधुरिका पाटकर ने पहली बार महिला वर्ग में राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता। हमारा अगला पॉइंट है कतर एयरवेज ने विश्व की सबसे लंबी वाणिज्यिक उड़ान सेवा पूरी की। कतर एयरवेज के द्वारा विश्व की सबसे लंबी वाणिज्यिक उड़ान सेवा पूरी की गई। इस सेवा के तहत
पहली उड़ान फ्लाइट QR 920 ने दोहा कतर से ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है। कतर से ऑकलैंड के मध्य 14,535 किलोमीटर की यात्रा 16 घंटे 20 मिनट में पूरी की। हमारा अगला पॉइंट है, भारत का पहला फ्लोटिंग स्कूल कहां शुरू हुआ है। भारत का पहला फ्लोटिंग स्कूल मणिपुर के लोकटक झील में शुरू किया गया है। लोकटक झील मणिपुर का काफी प्रसिद्ध झील माना जाता है और फ्लोटिंग स्कूल पहला भारत का फ्लोटिंग स्कूल है जो मणिपुर में शुरू किया गया है। हमारा अगला पॉइंट है, नेत्र क्या है। नेत्र एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है जो वायुसेना में शामिल किया गया है। स्वदेश में विकसित एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। इसका नाम है नेत्र। और यह प्रक्षेपास्त्र सतह जल और आकाश में 200 किलोमीटर के दायरे में खोज निकालने में सक्षम है। हमारा अगला पॉइंट है, अश्विन जिसे हम रविचंद्रन अश्विन के नाम से भी जानते हैं, सबसे तेज 250 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। हमारा अगला पॉइंट है, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2017 में भारत को कौन सा स्थान मिला। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2017 में भारत का 143वां 143 स्थान मिला है। करंट अफेयर्स में हमारा अगला पॉइंट है, सुरेंद्र वर्मा को 2016 का व्यास सम्मान दिया गया। वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार सुरेंद्र वर्मा को उनके उपन्यास काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुड़ी की धार से के लिए 2016 का व्यास सम्मान दिया गया। यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, पाकिस्तान में हिंदू विवाह विधेयक को मजलिस ए शूरा जिससे वहां का उच्च सदन है सेनेट में पारित किया गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन की मंजूरी के बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की शादियों के लिए नियमन का हिंदू विवाह विधेयक 2017 अब कानून बन गया है। हमारा अगला पॉइंट है, कुरुख भाषा को पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा आधिकारिक दर्जा दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कुरुख भाषा को आधिकारिक दर्जा मिला। हमारा अगला पॉइंट है, ट्रैपिस्ट 1 नामक तारा जिसकी परिक्रमा नासा के द्वारा खोजे गए 7 ग्रह कर रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जिसे नासा कहा जाता है, इसने कुल 7 नए ग्रहों की खोज की और ये 7 ग्रह ट्रैपिस्ट 1 नामक एक तारे की परिक्रमा कर रहे हैं और यहाँ पे जीवन होने की संभावना भी बताई जा रही है। हमारा अगला पॉइंट है, सिक्किम उदय योजना में शामिल होने वाला 22वां राज्य बना। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम उदय योजना में शामिल होने वाला 22वां राज्य बना है। हमारा अगला पॉइंट है, आदि योगी शिव प्रतिमा का अनावरण। यह शिव प्रतिमा 112 फीट ऊंची है, कोयंबटूर स्थित वेल्लीगिरी की पहाड़ियों की तलहटी में इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर तमिलनाडु स्थित वेल्लीगिरी की पहाड़ियों की तलहटी में ईशा योग केंद्र में भगवान शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा आदि योगी का अनावरण किया। हमारा अगला पॉइंट है, भीम ऐप डाउनलोडिंग के मामले में विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाला पहला ऐप बन गया है। भीम ऐप ने डाउनलोडिंग के मामले में विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है।
हमारा अगला पॉइंट है लॉरस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, किसने जीता? लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड उसेन बोल्ट ने जीता है। हमारा अगला पॉइंट है मूनलाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड दिया गया। मूनलाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड दिया गया। हमारा अगला पॉइंट है भारत का सबसे विशाल तिरंगा कहां फहराया गया? भारत का सबसे विशाल तिरंगा अटारी बॉर्डर पर फहराया गया है। हमारा अगला पॉइंट है मिस्टर इंडिया का खिताब किसने जीता? मिस्टर इंडिया सुनीत जाधव बने हैं जो दूसरी बार मिस्टर इंडिया का खिताब जीते हैं। हमारा अगला पॉइंट है भारतीय मूल की इंद्राणी दास ने अमेरिका का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार जीता है। भारतीय मूल की इंद्राणी दास ने अमेरिका का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार जीता है। करंट अफेयर्स में हमारा अगला पॉइंट है एमपी वीरेंद्र कुमार को 2016 के लिए 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा प्रख्यात मलयालम लेखक एवं पत्रकार एमपी वीरेंद्र कुमार को 2016 के लिए 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया है। हमारा अगला पॉइंट है डॉक्टर थॉमस स्टाल्ज लीवर प्रत्यारोपण के प्रथम अन्वेषक थे और इनका निधन हो गया है। डॉक्टर थॉमस स्टाल्ज लीवर प्रत्यारोपण के प्रथम अन्वेषक थे, इनका निधन हो गया है। हमारा अगला पॉइंट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जिसे IGI कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली विश्व का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट घोषित किया गया है। हमारा अगला पॉइंट है विराट कोहली को तीसरी बार इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला। विराट कोहली को तीसरी बार इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है। हमारा अगला पॉइंट है आदर्श ग्राम योजना, यह अरुणाचल प्रदेश की ग्राम योजना है, आदर्श ग्राम योजना है, यह सबका साथ सबका विकास दर्शन पर आधारित योजना है जिसे अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। यह योजना अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर विकास उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च की गई है। हमारा अगला पॉइंट है मेघा। मेघा स्वदेश निर्मित पहली ट्रेन रैक है, इसका मुंबई स्थित दादर स्टेशन से अनावरण किया गया। पूर्ण रूप से स्वदेश निर्मित पहली ट्रेन रैक मेघा का मुंबई महाराष्ट्र स्थित दादर स्टेशन से अनावरण किया गया। मेक इन इंडिया के तहत यह पहल की गई है। यह 12 डिब्बों का रैक निर्माण चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुआ है। हमारा अगला पॉइंट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2017 में भारत का स्थान क्या है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2017 जारी की गई है। 155 देशों की यह रिपोर्ट है और इसमें भारत को 122 स्थान प्राप्त हुआ है। नॉर्वे को विश्व का सबसे खुशहाल देश बताया गया है, यह नंबर 1 पे है। हमारा अगला पॉइंट है फोर्ब्स के अमीर लोगों की सूची में बिल गेट्स नंबर 1 पे बने हैं। हमारा अगला पॉइंट है नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा गंगा व यमुना को, ये दोनों नदियां हैं, इनको वैधानिक व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया गया है। एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया नैनीताल उच्च न्यायालय के द्वारा, गंगा व यमुना नदियों को वैधानिक व्यक्ति का दर्जा दिया गया और अभी हाल ही में मार्च 2017 में ही न्यूजीलैंड में भी एक मामला सामने आया जिसमें वांग नुई नदी को भी मानवाधिकार देने की बात कही गई है। हमारा अगला पॉइंट है
मानव विकास सूचकांक 2016 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? मानव विकास सूचकांक 2016 में भारत को 131वां स्थान मिला है। करंट अफेयर्स में हमारा अगला पॉइंट है, रघु राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। नई दिल्ली में आयोजित 6वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में प्रख्यात फोटोग्राफर रघु राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। इसका उद्देश्य फोटोग्राफी में कला व तकनीकी के द्वारा राष्ट्र की कला, संस्कृति, विकास, विरासत और इतिहास आदि को बढ़ावा देना है। हमारा अगला पॉइंट है, अल्का पुल्को मैक्सिको में है। यहाँ पे ISSF शॉटगन विश्व कप 2016 में भारत के निशानेबाज अंकुर मित्तल ने पुरुषों की डबल ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। हमारा अगला पॉइंट है, 25 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया। यह 10वां अर्थ आवर डे था जो मनाया गया है 25 मार्च को। हमारा अगला पॉइंट है, सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का कीर्तिमान किसने बनाया? सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का कीर्तिमान रविचंद्रन अश्विन ने बनाया है और इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, विकेट लेने का भी रिकॉर्ड रविचंद्रन अश्विन ने ही बनाया है। हमारा अगला पॉइंट है, सेबेस्टियन बेटल ने ऑस्ट्रेलिया का ग्रांप्री खिताब जीता। सेबेस्टियन बेटल ने ऑस्ट्रेलिया का ग्रांप्री खिताब जीता। हमारा अगला पॉइंट है, तनुश्री पारिक ने बीएसएफ में कमीशन पाने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी। तनुश्री पारिक पहली महिला ऑफिसर बनी है जिन्होंने बीएसएफ से कमीशन मिला है। हमारा अगला पॉइंट है, कैरी लैम चीन प्रशासित महासागर की सत्ता संभालने वाली पहली महिला है। हमारा अगला पॉइंट है, पीवी सिंधु ने इंडिया ओपन सुपर सीरीज का खिताब जीता। पीवी सिंधु ने इंडिया ओपन सुपर सीरीज का खिताब जीता। हमारा अगला पॉइंट है, भारतीय स्टेट बैंक में 5 बैंकों और भारतीय महिला बैंक का विलय किया गया। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक में 5 बैंकों, 1 अप्रैल को 5 बैंकों जिसमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक का विलय 1 अप्रैल को किया गया। हमारा अगला पॉइंट है, बॉब डिलन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। बॉब डिलन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। हमारा अगला पॉइंट है, देश की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नैसारी देश को समर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नैसारी सुरंग राष्ट्र को समर्पित की गई। यह लंबी सुरंग कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ती है। हमारा अगला पॉइंट है, किशोरी आमोडकर, यह शास्त्रीय संगीत से संबंधित थी, इनका निधन हो गया। हमारा अगला पॉइंट है, 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए जिसमें अक्षय कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और नीरजा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। करंट अफेयर्स में हमारा अगला पॉइंट है, मलाला यूसुफ जई संयुक्त राष्ट्र की सबसे युवा शांति दूत बनी। पाकिस्तान की शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफ जई को यूएन की शांति दूत मैनेजर ऑफ पीस नियुक्त किया गया है। मलाला के नाम
सबसे कम उम्र में नावेल शांति पुरस्कार 2014 जीतने का रिकॉर्ड है। हमारा अगला पॉइंट है विराट कोहली, विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। विराट कोहली विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। हमारा अगला पॉइंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती पर नागपुर महाराष्ट्र में नए भीम ऐप के साथ आधार पे सेवा प्रारंभ की गई है। नए भीम ऐप के साथ आधार पे सेवा प्रारंभ की गई। हमारा अगला पॉइंट है तियान जोउ फर्स्ट मानव रहित कार्गो स्पेसक्राफ्ट है, इसे चीन ने लॉन्च किया है। तियान जोउ फर्स्ट इसे चीन ने लॉन्च किया है, यह मानव रहित कार्गो स्पेस क्राफ्ट है। हमारा अगला पॉइंट है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का बंगाल की खाड़ी से सफल परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का बंगाल की खाड़ी से सफल परीक्षण किया गया है। हमारा अगला पॉइंट है विद्या देवी भंडारी, यह नेपाल की राष्ट्रपति है और यह भारत की यात्रा पर आई थी। हमारा अगला पॉइंट है भारत एलपीजी आयात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत एलपीजी आयात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। हमारा अगला पॉइंट है आमिर खान को 75वें दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आमिर खान को 75वें दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारा अगला पॉइंट है प्रख्यात फिल्म निर्देशक व अभिनेता कासीन धुनी विश्वनाथ को वर्ष 2016 के लिए 48वें बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। कासीन धुनी विश्वनाथ दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता बने। हमारा अगला पॉइंट है भारत की सृष्टि कौर मिस टीन यूनिवर्स 2017 चुनी गई है। भारत की सृष्टि कौर मिस टीन यूनिवर्स 2017 चुनी गई है। यह प्रतियोगिता मानागुआ जिसे निकारागुआ कहा जाता है वहां पर आयोजित किया गया था। हमारा अगला पॉइंट है नीता अंबानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनाई गई है। नीता अंबानी को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनाया गया है। हमारा अगला पॉइंट है भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत द्वारा स्वदेश निर्मित सतह से सतह पर मार करने वाली यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया गया। करंट अफेयर्स में हमारा अगला पॉइंट है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक के तहत शिमला दिल्ली मार्ग पर पहली उड़ान मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक जिसे उड़ान कहा जाता है, इसके तहत शिमला दिल्ली मार्ग पर पहली उड़ान सेवा प्रारंभ की गई। हमारा अगला पॉइंट है बांग्ला कवि प्रोफेसर शंख घोष को 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारा अगला पॉइंट है भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास को किस नाम से जाना जाता है, इसे वरुण 2017 के नाम से जाना जाता है। भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास टूलॉन पोर्ट फ्रांस में आयोजित किया गया था और यह भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण 2017 के नाम से जाना जाता है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा इसके लिए यह बताने के लिए हमें कमेंट करें, लाइक करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।
और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।